राजस्थान पुलिस की उप निरीक्षक एसओजी भर्ती 2021 में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुद्दे को उठाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। उनके द्वारा दिए गए खुलासों ने भर्ती परीक्षा के संबंध में गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है। शीर्षार्थ पुरुषार्थ फाउंडेशन ने कहा कि राजस्थान पुलिस की एसओजी ने अभूतपूर्व कार्रवाई की है और अब तक अवैध तरीके से चयनित 42 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही सरकार से उम्मीद जाहिर करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि हर ट्रेनी की पहचान कर दोषियों को सजा दिलाई जाए, जिससे आम नागरिकों में सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया के प्रति विश्वास कायम रहेगा। इस कार्रवाई के बीच पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है और आपकी सरकार ने इस मांग का प्रशिक्षण करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का भी गठन किया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि 42 दोषियों की वजह से परीक्षा रद्द की जाती है तो इससे 95% ट्रेनी युवाओं की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार हर ट्रेनी की पहचान कर दोषियों को सजा दिलवाए ताकि चयन प्रक्रिया में जनता का विश्वास बना रहे। राजस्थान सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। समिति में जोगाराम पटेल को संयोजक नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य सदस्यों में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी, गृह विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म और सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री मंजू भागवान शामिल हैं। यह समिति पेपर लीक मामले की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी। इस मामले ने समाज में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है, विशेष रूप से उन युवाओं में जो ईमानदारी से नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यदि सरकार परीक्षा को रद्द करती है तो इससे उन युवाओं में निराशा और असुरक्षा का माहौल पैदा होगा। राजस्थान पुलिस एसओजी भर्ती 2021 पेपर लीक मामले ने न केवल भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं बल्कि समाज में असंतोष भी बढ़ाया है। यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को किस प्रकार संभालती है और क्या वास्तव में न्याय होगा उन युवाओं के प्रति जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। और अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।